Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale are going to teach you English of standard 10th. Now today we are going to learn an interesting chapter. Let's see the name of the chapter. Standard 10th English, My English Course Book, Unit 1.2, An Encounter of a Special Kind. So students, आपने encounter ये word movies में जरूर सुना होगा, जब पुलिस वाले encounter करते हैं, तो ये वो वाला encounter नहीं है. So jokes apart, encounter यहाँ पे इसका simple सा मतलब है मुलाकात, मुलाकात यानी मिलना जुलना. Then you suddenly meet your old friend in market or on bus stop or in railway station. So that is called as an encounter. I had an encounter with my old friend. Like that. Mulaqat, iso kehte hai encounter. Okay? So let's start. Myself Sagar Mahale. Now we are going to start the basic warming up before the chapter. So now student, we are going to do some chit chat. I'm going to show you some picture. See this picture. Now tell me, what do you see in the picture? Let me tell you. There is one small girl holding a big basket, an aluminium basket, and in which a small puppy is there. And there is water. वो बच्ची पूरे गर्दन तक डूब चुकी है. और वो उस कुत्ते के छोटे से पप्पी को बचाने की कोशिश कर रही है. दूसरा सवाल, what do you think the girl is trying to do and why? तो बताओ बच्चों कि ये लड़की जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है. जैसे कि मैंने कहा, वो छोटे से पपी को बचाने की कोशिश कर रही है. और क्यों क्यों, इसका जवाब क्या दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, हम किसी की मदद ना करें तो हम इंसान थोड़ी कहलाएंगे. जब भी आपको राह चलते किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़का लड़की या एनीथिंग, इवन एनिमल्स, अगर कोई मुसीबत में हो तो हमारा पहला कर्तव्य यही होता है कि हम उसकी सहायता करें. और तीसरा सवाल, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल, व्हाट वुड यू डू? अगर आप उस लड़की की जगह पर होते तो क्या आप भी सहायता करते या उस बेचारे से छोटे से डॉगी को मरने के लिए छोड़ देते? तो ये अपना अपना सवाल है. जो अच्छा इंसान है वो अच्छे कर्म जरूर करता है. तो आइए बढ़ते हैं आगे. Do you think she will become successful in her mission? तो आपको लगता है कि वो कामयाब रहेगी अपने मिशन में, वो अपने डॉगी को बचा पाएगी और खुद की भी जान बचा पाएगी? So students, these are some questions just to warm up. ताकि आप अच्छे से assimilate कर सको. Now match the appropriate headings with the images. Our luxurious bungalows, my favorite pastime, what a commotion, engrossed in my book. ये जो image है इससे आपको match करना है. तो आपको क्या लगता है ये image में से मुझे क्या नजर आ रहा है? Luxurious bungalows? No. Favorite pastime? Favorite time पास तो हो सकता है. What a commotion, engrossed in my book. I think the answer is second, my favorite pastime, because बहुत से बच्चों को अपने time pass करने के लिए किताबें पढ़ने की आदत है, जो कि आदत अभी धीरे-धीरे कम होते जा रही है सब में. Because reading books is boring for many of students, and playing mobile games and watching internet, that is something interesting. तो ये आज की generation की बात है. लेकिन हमारे generation में जब mobile phone नहीं थे, internet नहीं था, तो कहानियों की किताबें पढ़ते थे. बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किताबें. और यह एक अच्छी आदत भी है, क्योंकि पढ़ने से आपका ज्ञान भी बढ़ता है. तो आइए देखते हैं आगे. ये वाला, व्हाट इमेज इज दिस? और इस इमेज को अभी आपको मैच करना है. लग्जरियस बंगलोस, फेवरेट पास्ट टाइम, कमोशन या एंग्रोस्ड इन माय बुक? A commotion. So students, क्या आपको पता है कि ये जो चारों भी options हैं, उसमें जो पहला है luxurious bungalows, दूसरा favorite pastime, तीसरा commotion और चौथा engrossed.
तो बच्चों ये कमोशन का मतलब आपको पता है? कमोशन का मतलब क्या होता है? इस पिक्चर को देख के जरा अंदाजा लगाओ तो कमोशन का मतलब क्या होता है? कमोशन का मतलब जब आप शांत बैठे होते हो या पढ़ाई कर रहे होते हो या किसी चीज में मग्न होते हो और उस समय अगर बाहर से कोई आवाज आए, शोर शराबा, तो आपको गुस्सा आ जाता है, उसी को कमोशन कहा जाता है। और एंग्रोस्ड इन माय बुक मतलब बुक पर छपा हुआ, जो कवर पेज पे छपता है उसे एंग्रोसमेंट कहते हैं। सो लेट्स सी अहेड अनदर पिक्चर। आवर लग्जरियस बंगलोज, फेवरेट पास टाइम, व्हाट अ कमोशन, एंग्रोस्ड इन माय बुक। सो व्हाट इज दिस? ऐसी बात है, लग्जरियस बंगलो नजर आ रहा है, पेड़ पौधे, घर बड़ा वाला, सामने इतना बड़ा गार्डन, तो ये है हमारा लग्जरियस बंगलो। और हमारा फोर्थ ऑप्शन, एंग्रोस्ड इन माय बुक। सो टू बी बिजी इन योर बुक इज एंग्रोस्ड इन योर बुक। तो हमने चारों इमेजेस देखे, चारों इमेजेस के रिलेटेड चारों वर्ड्स भी देखे, जिसमें आपने लग्जरियस है ना, आलीशान शानदार बंगलोज, फेवरेट पास टाइम, कमोशन का मेरा मतलब बताया कि बहुत ज्यादा शोर शराबा जब होता है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, और एंग्रोस्ड जब आप किताबों में एकदम मग्न हो जाते हो, आपको कोई सुध नहीं रहती, उसे एंग्रोस्ड इन माय बुक कहते हैं। लेट्स मूव अहेड। Now we will start our chapter, an encounter of a special kind. Special kind. Special यानी कुछ खास, kind यानी जैसे कि हम बोलते हैं कि हम इंसान हैं, तो इंसान हमारी एक human हमारा kind है, right? और dog kind है। Kind के दो अर्थ होते हैं, kind यानी जब आप दया करते हो, mercy करते हो, आप अच्छे इंसान हो, तो उसे kind कहते हैं, और kind का मतलब प्रकार भी होता है। जैसे एनिमल्स के टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स में सारे लोग आते हैं, जैसे कि एलिफेंट, लायन, टाइगर, डॉग, काउ, बफेलो, इवन ह्यूमन इज एन एनिमल। जो भी सजीव है वो एनिमल है, या तो प्लांट है या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो काइंड यहाँ पर एक स्पेशल खास प्रकार के व्यक्ति के साथ हुआ हमारे लेखक का एनकाउंटर, उसके साथ हुई एक मुलाकात, और वो मुलाकात उसे इतनी यादगार बन के रही उसकी लाइफ में, हमारे लेखक की लाइफ में, कि उन्होंने ये जो स्टोरी है ये लिखी है। तो ये हादसा हम आपको आज सुनाने वाले हैं, तो मेरे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। शुरुआत करते हैं। माय फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ private company in Raniganj in West Bengal। ऐसे अगर आपको भारत का नक्शा नजर आ रहा है, उस नक्शे में आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है हमारे इंडिया का, जिसकी राजधानी कोलकाता है, और कलकत्ता के साथ में ही वेस्ट बंगाल में रानीगंज नाम का भी एक जिला पड़ता है, और रानीगंज के इलाके में मेरे पिताजी एक मेडिकल प्रोफेशनल, यानी अस्पताल में जो काम करते हैं वैसे प्रोफेशनल डॉक्टर, या उनसे भी कोई बड़े डीन वगैरह जो होते हैं, तो मेडिकल प्रोफेशनल एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं मेरे पिताजी, और हम फिलहाल रानीगंज वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। ये थी हमारे चैप्टर की शुरुआत, फर्स्ट सेंटेंस। आगे देखते हैं क्या हुआ। लेखक सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं कि उनके पिताजी क्या काम करते हैं और वो फिलहाल कहां पर रह रहे हैं, और ये एनकाउंटर की जगह हमें अगले पैराग्राफ में पता चलेगी। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of the garden. The officers of the company जो भी थे वो एक रो हाउस में रहते थे। रो हाउस का मतलब होता है लाइन से, जैसे हमारी चाल में खोलियां होती है ना, रूम्स होते हैं, वैसे लाइन से सेम टू सेम दिखने वाले बंगले होते हैं।
जो खास करके भारतीय जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लिए रहने के लिए दिए गए थे, क्योंकि वो ऑफिसर जो होते हैं हमेशा ट्रांसफर होते रहता है उनका, तो वो हमेशा हर जगह तो घर नहीं ले सकते, इसीलिए सरकार ही उनको या प्राइवेट कंपनीज उनको घर बनाकर देती है और उसी घर में अलग अलग ऑफिसर्स हर साल दो साल में आते रहते हैं। तो वैसे ही रो हाउस था ऑफिसर्स का और वो सारे लाइन से एक लार्ज कैंपस में फैले हुए थे। Our house was in the corner of the campus, जो पूरा इलाका था उसके ठीक एक कोने में हमारा घर था, हमारा बंगला था। तो ऑफिसर्स क्लब, अब क्लब क्या होता है, क्लब में जहां पर जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है, टेनिस टेबल टेनिस खेलने के लिए छोटे छोटे खेल होते हैं, वो एक छोटी सी बिल्डिंग होती है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सोसाइटीज में देखा होगा कि क्लब हाउस करके एक अलग होता है, तो घर अलग जहां पे हम रहते और क्लब हाउस कॉमन होता है सारे सोसाइटी के लिए। तो जो हमारे लेखक का घर था उसके बंगलों का जो कंपाउंड था, ठीक कंपाउंड के बगल में ऑफिसर्स क्लब और उसका गार्डन भी था। कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ ऑल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। जो कंपाउंड था क्लब का पूरी तरह आलीशान, लग्जरियस यानी बहुत आलीशान, शानदार, पूरे ग्रीन ग्रीन स्मॉल स्मॉल ग्रास, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं बाहर देशों में कितनी अच्छी हरियाली होती है, क्लीनलीनेस होता है, वैसा ही पूरा माहौल था। कलरफुल फ्लावर्स थे, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ थे और बहुत भव्यशाली पेड़ थे, मैजेस्टिक ट्रीज। तो वो कंपाउंड मानो बहुत बड़े गार्डन की तरह लग रहा था, मानो स्वर्ग में उतर आए, इतना लग्जरियस था, इतना ग्रीन था। एंड दैट वॉज एन आई कैचिंग मोमेंट ऑफ दैट क्लब हाउस। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswadha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. Seasonal vegetables, yani har सब्जी का एक सीजन होता है, जैसे आम गर्मियों में आते हैं और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फल है और सब्जियां हैं जो उसी सीजन में ज्यादातर आते हैं। तो सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स, किचन के जो गार्डन्स थे वहां पे आपको हर जगह पर वेजिटेबल्स नजर आते थे, उनके छोटे छोटे पौधे पेड़ नजर आ रहे थे। बड़े बड़े मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। स्क्विरल्स यानी गिलहरी और मैनी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब क्या होता है, किस्म का, या फिर तरह तरह के पंछियां और गिलहरियां हमेशा वहां पे चहल पहल करती रहती थी। लाइक इट वॉज अ हाउस ऑफ स्क्विरल्स एंड बर्ड्स एंड एस्पेशली लंगूर, चिंपैंजी वी कैन कॉल इट, और व्हाइट मंकी, और डिफरेंट काइंड ऑफ मंकी जिसे हमारे भारतीय भाषा में लंगूर कहा जाता है। A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. Aswatha नामक एक बड़ा सा पेड़ था, उसी पेड़ पे अपना den, den यानी जो गुफा होती है शेर की, वैसे ही den यानी एक घर कहा जा सकता है, वो इलाका हो गया था। वो जो बड़ा पेड़ था aswatha का, वो सारे लंगूरों का इलाका हो गया था। उस पेड़ पे केवल लंगूर रहते थे, बाकी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। और दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। लेखक का ये कहना है कि जैसे रोजाना जिंदगी में आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको गाड़ियां नजर आती है, बसें नजर आती है, टू व्हीलर, टैक्सी, बड़ी बड़ी इमारतें, लोग, ये जैसे हमारे रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी का हमारा ये पार्ट एंड पार्सल हो गया, ये सारी चीजें कॉमन है। लेकिन लेखक यहाँ पे ये कह रहा है कि गिलहरियां, हरियाली, तरह तरह की पंछी और लंगूर, ये सब हमारी जिंदगी के रोजाना में से सब एक ही जैसे हो गए थे। लाइक कोई बड़ी बात नहीं अगर मैंने लंगूर देख लिया, अगर हमारे एरिया मुंबई में कहीं पे अगर हमने लंगूर देख लिया तो हम बोलेंगे अरे ये तो बंदर है। हम ज्यादा से ज्यादा बंदर कहां देख पाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई बाग में, और वहां बाग में हम देखेंगे छोटे फुल मंकीज देखते हैं, या फिर हमारे गांव में देखते हैं, लेकिन मुंबई में मंकीज थोड़े कम देखने मिलते हैं। तो इसीलिए बंगाल में रानीगंज में जहां पर हमारे लेखक रह रहे थे वहां पे बंदर, गिलहरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ये सब कॉमन बातें थी।
लिटरली कॉमन, लाइक वो हमारे डेली लाइफ का एग्जिस्टेंस ही हो गया। बढ़ते हैं आगे। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. एक छोटा सा किस्सा शनिवार के दोपहर को मेरे सामने हुआ। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God creation. वो छोटा सा हिस्सा, हाथ सा, इतना मेरे दिमाग पर असर कर गया, इतना यादगार रहा कि उसने मुझे भगवान ईश्वर की जो प्रकृति, बनाई हुई प्रकृति है, उसकी तरफ देखने का एक नया दृष्टिकोण उस हादसे ने मुझे दिया। अनफोल्डेड यानी रिवील, रहस्य का उलगड़न करना। तो रहस्य का उलगड़न करना मीन्स टू अनफोल्ड द प्रोफाउंड इफेक्ट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मैं भगवान की, मैं ईश्वर की वो बात समझ पाया उस हादसे के वजह से। और वो बात कौन सी थी, वही हम इस हिस्से में, इस चैप्टर में देखने वाले। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकेम एंग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। तो बच्चों, पूजा वेकेशन, जैसे अभी नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र में बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है दिवाली के कंपैरिजन, तो वो नवरात्र देवी माँ की पूजा होती है। पूरे 9 दिन धूम और खुशहाली होती है पूरे बंगाल में, वैसे तो पूरे भारत में, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा। जैसे हमारे महाराष्ट्र में गणेश जी का जो त्योहार होता है वो काफी जोरों शोरों से घर घर में मनाया जाता है, उसी तरह से बंगाल में घर घर में नवरात्र के 9 दिन और दशहरे का एक दिन, ऐसे 10 दिन धमाल होती है। तो पूजा का वेकेशन चल रहा था और कुछ ही दिन बाकी थे महापूजा के लिए, यानी दशहरे के लिए। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जो छुट्टियां चल रही थी, जैसे नॉर्मल कोई भी बच्चा कोई वीडियो गेम खेलता है, कोई बाहर क्रिकेट खेलता है, ऊपर अन्य सारी चीजें बच्चे खेलते हैं वेकेशन में, मोबाइल खेलता है अभी या फिर लैपटॉप पे गेम्स खेलते हैं, जो भी। तो हमारे लेखक जो थे उन्हें भी बड़ा आनंद हुआ कि अब छुट्टियां चल रही हैं, तो मतलब मैं और मेरी किताब, मेरी कहानियां, मेरे मैगजीन्स, मेरे छोटे छोटे चुटकुलों की किताब, ये सारी किताबों में एनग्रॉस्ड हो जाते थे। एनग्रॉस्ड यानी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, मग्न हो जाते थे, बिल्कुल भी यहां बाकी फिक्र नहीं, अपना अपना किताब पढ़ बस। और वो उनका फेवरेट पास टाइम था। एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली पब्लिश की गई जो कहानियों की किताबें होती हैं, वो भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। और ये था उनका फेवरेट टाइम पास। यही टाइम पास करते वक्त शनिवार के दिन वो हादसा जो मैंने आपको कहा हुआ, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ भगवान की, ईश्वर की नई प्रकृति कैसे काम करती है, भगवान का क्रिएशन कैसे करती है। और ये करने से पहले ही वो किताबें पढ़ रहे थे, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो। बढ़ते हैं आगे। After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. Hearty lunch का मतलब क्या? बहुत sufficient या wholesome, पेट भर के मस्त lunch किया था। मेरे parents और young sisters दोपहर की नींद के लिए सब सोए हुए थे और मुझे सबसे प्रिय रहने वाली मेरी चारों तरफ की जो शांति होती है, ना माँ बाप का बात करना या बहन का मस्ती करना या टीवी का आवाज, कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। और यही शांति मुझे सबसे प्रिय थी, बिकॉज जब भी मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे बहुत शांति चाहिए, ऐसे लेखक का मानना था। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप। परफेक्ट बैकड्रॉप मतलब, जैसे कि हम बोलते हैं कि जब मेरे पास घर नहीं होते तो हम आराम से घर सोफे पे बैठ के पैर फैला के टीवी देख सकते हैं और हमें चिल्लाने वाला कोई नहीं होता, वैसे ही लेखक यही सोच रहे थे
अब कोई भी नहीं है, सब सोए हुए हैं। अब मैं ध्यान से अपनी किताबें पढ़ूंगा और अपना फेवरेट टाइम को पास करूंगा और वो एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ने के लिए शुरुआत कर ही रहे थे कि आगे क्या हुआ। The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. जब इतनी शांति हो जाती है ना, तो चिड़ियों की चहचहाट भी आराम से सुनाई देती है, पापा और मम्मी के खर्राटे भी आराम से सुनाई देते हैं। कौवा अगर खिड़की पे आके काय काय करने लग जाए तो वो भी इरिटेटिंग लगता है। यही सब छोटी छोटी आवाजें जब आजू बाजू शोर होता है तब हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन दोपहर के वक्त जब पूरा मोहल्ला सो रहा है या फिर रात के वक्त जब पूरा इलाका सो रहा है और उस समय कोई चिड़िया, कोई कुत्ता या कोई भी जानवर अगर शोर करे तो वो बड़ी दूर दूर तक आवाज चली जाती। और उसी सन्नाटे में जब उन्होंने एडवेंचर स्टोरी पढ़ना शुरू ही की थी, तब क्या हो गया, उनका साइलेंस था धीरे धीरे टूटने लगा। सबसे पहले तो खर्राटों की आवाज जो सो रहे थे, उसके बाद इंटरमिटेंट चिर्पिंग। इंटरमिटेंट का मतलब होता है लगातार, फ्रीक्वेंट, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़िया जो है चहचह लगाए जा रही। उसके बाद हार्श कॉविंग ऑफ अ क्रो। हार्श का मतलब है जो एकदम नापसंद होने वाला आवाज होता है ना, कठोर, ऐसी आवाज में काय काय जो कौवा कर रहा था। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट। श्रिल का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रिल मीन्स आपने अगर कभी काइट यानी जो गरुड़ होता है उसकी अगर आपने आवाज सुनी होगी तो आपको पता चलेगा उसकी आवाज में बहुत दम होता है और वो बहुत कर्कश आवाज होती है, और उस आवाज के वजह से रफ रफ काइंड ऑफ साउंड होता है, उसके वजह से भी हमारे लेखक का कॉन्सेंट्रेशन टूट रहा था। और वो काइट जबकि जमीन की सतह से बहुत ज्यादा ऊपर था, फिर भी वो आवाज क्लियरली उस सन्नाटे भरी दोपहर के वजह से इजीली हमारे लेखक को सुनाई दे रही थी। मिनट्स टिक्ड बाय, आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब्ड इन द बुक। लेकिन हमारे लेखक इतने पढ़ाकू थे, वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे पढ़ते पढ़ते किताबों को कि उन्हें इन सारी चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ने लगा। थोड़ी देर बाद शुरुआत में तो आवाज आई, लेकिन जैसे जैसे कहानी पढ़ते गए, कहानी में इंटरेस्ट आते गया, वो और भी किताब के अंदर चले गए। He went engrossed in the book and that's why after that he was completely controlling himself to avoid all the voices. Voices of sparrow, voices of kite, voices of crow. He was completely ignoring them and he was continuously reading his book only. Let's see ahead what happened. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that a pack of dogs might have cornered a hapless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book in sight, I rushed to the veranda to see what was going on. किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से कुत्तों की भौंकने की जोर जोर से आवाज आने लगी और वो furiously भौंक रहे थे। फ्यूरियसली यानी बहुत गुस्से में, जैसे वो गुस्सेल वाले कुत्ते होते हैं ना जो किसी को भी काटते रास्ते पे तो म्यूनिसिपैलिटी वाले उन्हें उठा के लेके जाते हैं, तो जैसे उनका कोई दो कुत्तों में झगड़ा हो जाता है। जब इंसान में भौंकते तो नॉर्मल भौंकते हैं, लेकिन जब आपस में झगड़ा हो जाता है ना तो उनके दांत वगैरह वैसी ही आवाज आने लगी फ्यूरियसली, और ये आवाज को इग्नोर करना चाह रहे थे। आई चोज टू इग्नोर द कमोशन, थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हैपलेस पिग। ये सोच के इग्नोर करना चाह रहे थे कि कोई सुअर आ गया होगा और ये कुत्ते उन सुअर के पीछे पड़ गए होंगे और इसीलिए ये भौंक रहे, दो मिनट भौंकेंगे बाद में शांत हो जाएंगे, और ये सोचकर वो इग्नोर करना चाह रहा इस हादसे को।
But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. अब cacophony का मतलब पहले हम देखेंगे. Cacophony का मतलब होता है loud and harsh noises. Commotion का meaning आपको मैंने introduction में बताया कि commotion का मतलब होता है जो irritating sounds होते हैं उसको हम commotion कहते हैं. उसी तरह cacophony भी loud और harsh और irritating sounds ही होते हैं. जब उन्होंने ये सोचा कि हम इग्नोर करेंगे, शायद कोई सुअर वोर तो पकड़ लिए होंगे कुत्ते लोग, तो हम इग्नोर कर देते हैं. लेकिन ऐसे नहीं हुआ. बार्किंग बिकेम लाउडर. कुत्तों की भौंकने की आवाज और भी तेज होती गई. और भी गुस्सेल स्थिति में कुत्ते भौंकने लगे. और जो अलार्म्ड कॉविंग, कॉविंग का मतलब काय काय करना, जो कौवे थे फ्लॉक पूरे झुंड के झुंड कौओं का काय 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 कर रहा था. और ये काय काय कुत्तों की भाव भाव और ये सब सुन के अब मात्र हम इग्नोर नहीं कर सकते. I also heard the disturbance approaching closer. धीरे धीरे वो आवाज बड़ी होती जा रही थी, मानो कि वो मेरे घर के पास आते जा रहे वो कुत्ते, ऐसे लगने लगा. Curiosity got the better of me. Got the better of मतलब overpowered या defeated, जैसे meaning में लिखा हुआ है. लेकिन मैं आपको आसान भाषा में हिंदी में बताऊंगा. Got the better of me मतलब curiosity का मतलब पहले समझ लेते हैं. Curiosity का मतलब होता है excitement. जब आपको कोई कहता है कि मैं तुझे एक बात कहूँ, आप बोलते कह, तो आप अगर वो सामने वाले बोलते नहीं चल जान दे कोई बात नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको curiosity नहीं बता अभी बता नहीं तो अभी के अभी बता क्या बोल रहा था क्या बोल रहा था. That is curiosity. Excitement हो जाती है. और वो क्यूरियोसिटी के सामने बड़े से बड़े लोग भी हार जाते हैं. इसीलिए लेखक ने कहा है कि क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. मीन्स इसी क्यूरियोसिटी की वजह से कि भैया आवाज कहां से आ रहा है मुझे पता लगाना है. और वो अपनी किताब को बंद करके, लीविंग द बुक असाइड, ही वेंट टू द वरांडा. वरांडा एक हिंदी शब्द है जो बंगले के सामने बड़ा सा ऐसा ओपन, जिसे हम मराठी में ओटा भी कहते हैं, या बड़ी सी फर्श होती है और शाम को हम वहां पर बैठते हैं, या ऊपर झूला होता है. तो जो बरांडा होता है उसमें वो लेखक चले गए देखने के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है, जिन्होंने मुझे अच्छी दोपहर मेरी खराब की है डिस्टर्ब करके. पढ़ते हैं आगे. आई ग्लांस टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल. अ बिग मेल लंगूर, apparently a leader of its crew, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over the definite intent to kill. तो बच्चों, जैसे कि हमने आपको कहा कि जब curiosity के सामने हार कर लेकर बाहर गए देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, तो उन्होंने पहली नजर जब पड़ी उनकी, तो सामने वाले क्लब हाउस के छत पर उन्होंने एक बहुत ही हॉरिबल नजारा देखा. हॉरिबल का मतलब डरावना. उस डरावने नजारे में को डिस्क्राइब करते हुए लेखक ने कहा कि एक बड़ा पुरुष लंगूर, मेल लंगूर, अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, उसको देख के लग रहा था कि वो पूरे लंगूरों के झुंड का सरदार था, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स, और उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी लंगूर, कुछ महज 5-6 दिन या हफ्ते भर का होगा, वो उसके हाथ में ऐसे जकड़ के रखा हुआ था उस बड़े लंगूर ने, और बड़ी क्रूरता से मर्सीलेसली उसको काट रहा था, और वो कंप्लीटली उसे मसल कर मार देना चाहता था. ये दृश्य देखकर कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी ये दृश्य अगर देखता, एक छोटा सा बच्चा, फिर वो इंसान का हो, कुत्ते का हो, या बंदर का हो, बिल्ली का हो, छोटे बच्चे को अगर कभी थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो बड़े से बड़ों का पत्थर वाला दिल भी पिघल जाता है. तो ये हादसा देख के हमारे जो लेखक हैं काफी डिस्टर्ब हो गए. तो इसके आगे क्या हुआ, आखिर वो मेल लंगूर कौन था, वो किसके बच्चे को इतना क्रूरता से कुचल और मसल रहा था, और आगे हमारे लेखक ने क्या किया, ये देखेंगे हम वीडियो पार्ट 2 में. तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट में. ये कहानी आगे हम सुनेंगे वीडियो पार्ट 2 में. तब तक के लिए थैंक यू. थैंक यू स्टूडेंट्स. दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर.
and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.